अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। आज तो मेन्यू भी बहुत बड़ा है, इसलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। देख ले, मेरी बेबी की बर्थडे है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। प्याज डाल देंगे, तकरीबन ये 1 किलो प्याज है 3 किलो गोश्त के लिए। मैंने 1 किलो प्याज ले लिए। गर्म कर लें इसको। गोश्त शामिल कर सकते हैं, देखें 3 किलो गोश्त है। अच्छी तरीके से कस लें। अदरक लहसुन डाल दें, तकरीबन 2। चार चम्मच डाल दिए मैंने। ये स्पाइसेस देख लीजिए, नमक 3 खाने के चमचे हैं, तीसरी मिर्ची 4 खाने के चमचे हैं, हल्दी 1.5 खाने का चमचा है, और ये धनिया पिसा हुआ 4 खाने के चमचे हैं। मिर्चा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और नमक भी। ये ऐड कर दें, ये मिक्स कर दिया है हमने। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर गोश्त गलने के लिए रख देंगे, फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये टमाटर की प्यूरी देख लें, ये तकरीबन 1 किलो टमाटर है। टमाटर की प्यूरी डाल दी है, इसमें पानी ऐड कर दें, तकरीबन आधा जग डाल दें, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। इसको उबाल आने के बाद दम की आँच पे रख देंगे इसको, फिर बाकी मसाला तैयार करते हैं। आधा गोश्त गल चुका है, अभी मसाला डाल लें। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, तकरीबन 7 से 8 चम्मच हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट के बाद इसमें दही डालेंगे और मिर्ची। चलो, मसाला रेडी हो चुका है, अभी इसमें दही शामिल कर देते हैं। ये तकरीबन 1 पाव दही है, 1 से 1.5 पाव। मिर्चें शामिल कर देते हैं भरी, जो हमने आधा मसाला भरा था मिर्चों में। बस अब इसको दम की आँच पे रख देंगे हम। हरा धनिया डाल लें, इसको चला के अब दम के आँच पे रख दें। सिर्फ 5 मिनट के लिए ये रेडी हो चुका है। हमारी डिश रेडी हो चुकी है, ये डिश रेडी हो चुकी है हमारी। और मज़ीद रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सना कुकिंग पॉइंट। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.